हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू अवर चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ऑल लेडीज डू इट, जिसमें एक हवस से भरी वाइफ की कहानी को दिखाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करना। तो फिर चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक पति पत्नी को दिखाया जाता है जिनका पाउल और डायना नाम होता है। डायना देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, आदमियों का उसे बहुत ज्यादा शौक होता है। वे एक पार्टी में आते हैं, पार्टी में एक आदमी के साथ डायना इंटीमेट होती है, तभी वहाँ पे पाउल आ जाता है और डायना को वहाँ से लेकर जाता है। अभी पाउल और डायना अपनी गाड़ी में होते हैं, वहाँ पे पाउल और डायना उससे चीट कर रही है ऐसा कहता है, पर डायना मना कर देती है और वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। डायना एक शॉप में काम कर रही होती है और उस शॉप का ओनर का नाम सर्वियो होता है। सर्वियो एक नंबर का छपरे किस्म का आदमी होता है, उसे लड़कियों के साथ इंटीमेट होना अच्छा लगता है, उसे लड़कियों का बहुत ज्यादा लगाव होता है और उसने शॉप में सभी औरतों के ही काम पे रखा था। तभी सर्वियो डायना को देखता है और उसे डायना बहुत खूबसूरत लगती है। सेल्वियो डायना के साथ नजदीकियां बढ़ाने का ट्राई करता है। एक दिन शॉप में डायना सेल्वियो से बातें कर रहे होते हैं, तभी डायना अपने बारे में सेल्वियो को सब कुछ बताती है। वह बताती है कि पाउलो उसे अच्छा नहीं लगता, वह अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, पाउलो उसके साथ अच्छी तरह इंटीमेट नहीं होता, पाउलो बहुत बोरिंग है। तभी सेल्वियो डायना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। डायना अपनी बोरिंग मैरिज की स्टोरी अपने फ्रेंड और अपनी बहन नाडे के साथ शेयर करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, एक दिन पाउलो और डायना का झगड़ा होता है। डायना तभी डिसाइड करती है कि वह घर छोड़ने वाली है और वह घर छोड़कर जाती है। तभी पाउलो बहुत दुखी हो जाता है और उसे डायना की बहुत याद आ रही होती है। यहाँ पे डायना एक मीटिंग के लिए गई है ऐसा हमें दिखाते है अभी वह रूम में। तभी वहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है और वो डायना उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करती है और उससे नजदीकियां बढ़ाती है। यहाँ पे पाउलो बहुत दुखी है। तभी पाउलो को मिलने की डायना की बहन नार्डिया आती है। नार्डिया पाउलो को समझाती है कि डायना के बारे में ज्यादा मत सोचो, वो बचपन से ही ऐसी है, अब उसे आजादी दे दो कि वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट जिए। तभी नार्डिया पाउलो को बहुत समझाती है और बाद में नार्डिया पाउलो को सेड्यूस करती है और वे दोनों इंटीमेट होने का ट्राई करते है। तभी पाउलो रुक जाता है और वह अपनी वाइफ से चीट नहीं करेगा ऐसा कहता है। अभी डायना वापस आ चुकी है, वह अभी शॉप में सेल्वियो के साथ काम कर रही होती है। सेल्वियो डायना के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है, पर डायना को पाउलो की बहुत याद आ रही होती है। उसे लगता है कि पाउलो अभी भी उसे लेने आएगा। वे हर दिन पाउलो का इंतजार करती है कि उसे लगता है कि पाउलो उसे एक दिन लेने जरूर आएगा। बहुत दिन गुजर जाने के बाद एक दिन सचमुच पाउलो डायना को लेने आता है। अभी दोनों गाड़ी में होते हैं। डायना पाउलो से माफी मांग लेती है और आगे से वह घर छोड़कर नहीं जाएगी ऐसा भी कहती है। पाउलो भी डायना से माफी मांग लेता है और बाद में वो दोनों खुशी खुशी से अपने लाइफ जीते और यहाँ पर ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।